नमस्ते सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हमें अपना प्यार दिखाते रहे। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी इंडियाज ग्रोइंग इम्पोर्टेंस लीव्स कैनेडा आइसोलेटेड इन ए रो ओवर मर्डर्ड यूपीएससी। ये वीडियो है जी स्टडी आईक्यू का, बहुत जबरदस्त वीडियो होता है। आइए मिलके देखते हैं ये जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। कौन सा देश किसके साथ खड़ा हुआ है, क्या इंटरनेशनली किसी देश को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये काफ़ी मायने रखता है। तो क्या है कि अभी जो भारत और कनाडा का विवाद चल रहा है, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे, जानना चाहते होंगे कि कनाडा को इस समय कितना सपोर्ट है, भारत को क्या कोई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्या कनाडा आइसोलेट हो रहा है। इसको लेकर मैं आपको बता दूं, जो बड़ी खबर ओवरऑल आप देखोगे तो भारत की जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है हर एक तरफ से, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कनाडा है इस समय वो आइसोलेट हो गया है। जिस तरह का इल्जाम कनाडा ने भारत के ऊपर लगाया है, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत चुपचाप बैठा रहेगा, वो भी अपने मित्र देशों से बातचीत करेगा, उनको समझाने की कोशिश करेगा, भारत का जो स्टैंड है वो क्लियर करेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से आज के डेट में, क्योंकि कनाडा आप समझिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री माना जाता है वेस्टर्न अलाइज में। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करो, यूके, यूरोप के कई देश, यूएसए हो गया, तो उसमें कनाडा का भी नंबर आता है, G7 का मेंबर है, आप सोच के देखिए। तो कनाडा का आइसोलेट होना अपने आप में बड़ी बात है, इसको मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज से हमारा 3 लाइव बैच, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इन बैचेस के अंदर कराई जाएगी। आपके पास एक बड़ा मौका है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और जितने भी फीचर्स हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, चाहे लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए कनाडा ने इस हफ्ते सोमवार को, आपने देखा होगा, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने जिस तरह से यहां पर लिंक बैठाया और कहा कि भारत सरकार का कहीं ना कहीं जो सेपरेटिस्ट सिख लीडर का मर्डर है उससे लिंक बैठता है। इसकी वजह से यूजुअली क्या होना चाहिए था, यूजुअली जो डेमोक्रेटिक अलाइज हैं, जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये सब हमेशा एक साथ आ जाते हैं। जब भी इन देशों के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, ये सारे देश एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन इस बार नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार जो इल्जाम लगाया है कनाडा के ऊपर, वो लगाया है भारत के ऊपर। अब आप समझिए, भारत आज के डेट में सभी कंट्रीज के लिए, मतलब कि जितने भी आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करिए, अगर उनको चाइना को काउंटर करना है तो उसमें भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। और वहीं अगर हम कनाडा की बात करें, जिसकी पॉपुलेशन मुश्किल से 40 मिलियन के आसपास है, वो यहां पर ऑब्वियस सी बात है चाइना को टक्कर नहीं दे सकता। तो ये बात वेस्टर्न अलाइज को काफी अच्छे से पता है कि वो भारत का साथ नहीं छोड़ सकते। और इनफैक्ट इसीलिए अगर आप देखोगे कनाडा के टीवी डिबेट्स में, वहां के प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स, उन सभी ने इस चीज को कहा है कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट इन वेस्टर्न कैलकुलेशन फॉर बैलेंसिंग चाइना एंड कनाडा इज नॉट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कनाडा के खुद के, वहां के ओटावा कैरल्टन जो यूनिवर्सिटी है उन्हीं के प्रोफेसर के द्वारा कहा गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जो जानते हैं। दिस रियली डस पुट कनाडा ऑफ साइड अमंग ऑल अदर वेस्टर्न कंट्रीज। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो कनाडा अलग थलग पड़ चुका है। स्पेशली यहां पर जो खबर ये आ रही थी रिगार्डिंग द फाइव आईज, देखो आपको याद होगा फाइव आईज करके एक इंटेलिजेंस अलायंस बनाया गया था इन पांचों देशों के द्वारा, दैट इज कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये पांचों देशों ने तय किया था कि यह अलायंस बनाएंगे जिसमें जो इंटेलिजेंस जैसी चीजें हैं उसको शेयर किया जाएगा। तो यहां पर हुआ क्या है कि जस्टिन ट्रूडो ने मंडे को जो आरोप लगाया भारत के ऊपर, इसकी वजह से कनाडा को लगा, जस्टिन ट्रूडो को लगा कि उसको काफी सपोर्ट मिलेगा इन फाइव अलाइज से, लेकिन ऐसा दिखता हुआ नहीं मिल रहा है। द रिजल्ट सो फार हैव बीन
क्वाइट म्यूटेड। ब्रिटेन ने तो साफ साफ रिफ्यूज कर दिया है। मतलब देखो, अगर आप हर एक देश का बयान देखोगे इन फाइव वाइज का, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हाँ, इसके बारे में हमें पता चल रहा है, हमने उसको को संज्ञान में लिया है और इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी है वो होनी चाहिए। जो एक रेगुलर रिस्पांस होता है ना किसी भी देश का, वही रिस्पांस यहाँ पर इन पांचों इन बाकी के देशों के द्वारा दिया गया है। किसी ने भारत का ऐसा करके नाम नहीं लिया है, स्पेशली ब्रिटेन। ब्रिटेन हैज रेफ्यूज टू पब्लिकली क्रिटिसाइज इंडिया एंड सेड बायलेटरल ट्रेड टॉक्स विल कंटिन्यू एज प्लान्ड। आपको पता होगा यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में इस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको लेकर बातचीत हो रही है। तो यहां पर कनाडा को यह लगा कि अगर वो ऐसा ब्लेम करेगा तो यूके जो है अपना बातचीत, जैसे आपको याद होगा कनाडा ने तो यहां पर बातचीत रोक दी है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, अभी नहीं हो रहा है। तो कनाडा को लगा यही चीज यूके भी करेगा, यूके भी यहां पर बातचीत नहीं करेगा। लेकिन यूके ने साफ कह दिया कि हमारी जो टॉक्स है ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर वो बरकरार रहेगी, वो चलती रहेगी। तो ये काफी शॉक लगा है कनाडा को, स्पेशली मैं कनाडा भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जस्टिन ट्रूडो। मतलब सिंगल हैंडेडली जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के जो इतने वर्षों के रिलेशंस थे उसको एक प्रकार से खराब कर दिया है। और स्पेशली यहां पर आपको एक और चीज समझना है कि कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने जो आरोप भारत के ऊपर लगाया उसमें उन्होंने अभी तक कोई भी डेफिनेट जो एक एविडेंस होता है ना कि हाँ ये एविडेंस है, इसके तहत हम ये इल्जाम भारत के ऊपर लगा रहे हैं, वो एविडेंस अभी तक कनाडा ने नहीं दिया है, अभी तक वो एविडेंस शो नहीं किया है। इसकी वजह से भी बताया जा रहा है कि यहां पर जो यूके का रिस्पॉन्स है वो काफी म्यूटेड रहने वाला है और फ्री ट्रेड डील जो है वो एक मेजर पॉलिटिकल विन होगा यूके के लिए भी और भारत के लिए भी। और इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, G20 में आने से पहले जब ऋषि सुनक आ रहे थे, और उनकी वाइफ आपको पता है कि इंडियन ओरिजिन के हैं ऑब्वियसली, तो वो जब भारत आ रहे थे G20 समिट के लिए, उसके जस्ट पहले उनसे खालिस्तान के इशू को लेकर बोला गया, क्योंकि आपको याद होगा यूके में भी एक मामला आया था जहां पर हमारे जो हाई कमीशन है उसके बाहर जो झंडा था उसको खालिस्तानियों ने एक तरह से उखाड़ने की कोशिश की, तो वो सब कुछ हो रहा था, तो उनसे ये सवाल पूछा गया। तो देखिए ऋषि सुनक का क्या जवाब था, यूके पीएम ऋषि सुनक स्पीक्स ऑन खालिस्तान इशू सेज वोंट टॉलरेट इट इन द यूके, कि हम यूके में इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। तो आप सोचिए अगर यही चीज आपके जस्टिन ट्रूडो कहते तो कितनी अच्छी बात होती, लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब आप खालिस्तान के मुद्दे को लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर कैसे सकते हो, ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई प्रमाण, मतलब वो तो पब्लिकली अवेलेबल एविडेंस है, जो नीजर और ये जो भी बयान देते रहते हैं तो वो पब्लिकली बोला गया है, इसमें किसी को किसी से कोई चीज छुपी नहीं है। तो यहां पर यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जहां तक यूएसए की बात है, यूएसए की तरफ से भी आप देखोगे तो व्हाइट हाउस नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन किर्बी, उन्होंने भी कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स विल वाज डीपली कंसर्न एंड एनकरेज्ड इंडियन ऑफिशियल्स टू कोऑपरेट इन एनी इन्वेस्टिगेशन। तो अगेन वही सेम रेस्पॉन्स यूएस के द्वारा भी दिया गया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है हम चाहते हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स उसमें कोऑपरेट करें। इंडिया रिजेक्ट्स द आइडिया, इट वाज, भारत ने तो साफ इनकार कर दिया है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, देखिए वॉशिंगटन पोस्ट जो कि यूएस का न्यूज़पेपर है, उन्होंने यहां पर रिपोर्ट किया, उन्होंने बताया है बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, उन्होंने यह कहा कि जस्टिन ट्रूडो जब G20 के लिए भारत आए थे तो भारत में G20 था। क्या आपको पता है जस्टिन ट्रूडो यहां पर अपने अलाइज के साथ, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी देशों के साथ चाहते थे कि भारत को कंडेम किया जाए, मतलब जो भी हत्या हुई है खालिस्तानी सेपरेटिस्ट की कनाडा के अंदर, उसको एक तरह से G20 समिट के दौरान कंडेम किया जाए। यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी जितने देश हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, इस आइडिया को ही रिजेक्ट कर दिया। तो काफी ज्यादा यहां पर ह्यूमिलेशन आप कह सकते हो वो जस्टिन ट्रूडो को फेस करना पड़ा था, यह आप सबको पता ही होगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि ये जो वेस्टर्न अलाइज का रिस्पांस है, मतलब कनाडा के मित्र देशों का जो रिस्पांस है, वो कैसे पहले से अलग है। मैं आपको इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ था, 2018 में कनाडा ने, इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो ने डायरेक्टली एलिगेशन लगाया था रशिया के ऊपर। रशिया के एक डबल एजेंट थे सर्जी स्क्रिपाल एंड हिज डॉटर यूलिया, आपको याद होगा। तो यहां पर ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि 2018 में इंग्लैंड में इन दोनों को यहां पर जो
पॉइजन होता है वो देकर मार दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप रशिया के ऊपर लगाया, और जैसे ही आरोप लगाया आप देखिए ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और भी उनके जो मित्र साथी हैं उन्होंने मिलकर रशिया के लगभग 100 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को पनिश कर दिया, मतलब अपने देश से बाहर निकाल दिया। तो क्या वही चीज आपको इस मामले में देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्यों? ऑब्वियस ही बात है, भारत का इंपॉर्टेंस काफी तेजी से बढ़ा है, और सिर्फ यही नहीं भारत की इकोनॉमी, यह भी एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बताया जा रहा है कि बहुत जल्द टेक ओवर करेगी जापान और जर्मनी को, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो यहां पर दुनिया में वन ऑफ द लीडिंग पावर्स बन चुका है भारत विद मोर देन 1.4 बिलियन पीपल। हमारे पास मार्केट है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमारे मार्केट में एंटर करना चाहते हैं, सामान बेचना चाहते हो, तो ऑब्वियस ही बात अगर आपको ये सब कुछ करना है तो आपको भारत के साथ रिलेशंस अच्छे बनाकर रखने होंगे। सो ऑल दैट मेक्स इट हार्ड फॉर कैनेडाज मेन अलाइज विच आर ऑल्सो सम ऑफ इंडियाज मेन पार्टनर्स टू स्पीक आउट, जिसकी वजह से ये जो मेन पार्टनर्स हैं कैनेडा के वो भारत के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अब फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन ये निकलता है, यहां पर अभी वेटिंग गेम चलेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कल के डेट में कनाडा एक बहुत ही सॉलिड एविडेंस लेकर आता है, देखो सिर्फ एविडेंस और इधर उधर घुमा के चीजें बोलने से नहीं होगा, अगर कनाडा बहुत ज्यादा सॉलिड एविडेंस लाता है और दिखाता है कि भारत ने ही यहां पर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को मारा है कनाडा के अंदर उनके सॉइल पर, तब मे भी हो सकता है कि उनके जो मित्र देश हैं उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। लेकिन ये प्रेजेंट करना पड़ेगा कनाडा को, ये सॉलिड एविडेंस देना पड़ेगा। इनफैक्ट खबर तो ये भी आ रही थी कि इस समय बाइडन बीच में आ चुके हैं और यहां पर मीडिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि यूएस एक प्रकार से काफी अच्छा मित्र है, मतलब कि साथी देश है कनाडा का, तो ऑब्वियस ही बात है वो चाहेगा कि कनाडा और भारत के रिलेशंस बेटर हों। लेकिन वो देखना होगा कि किस हद तक यहां पर बाइडन सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि देखिए भारत में काफी नाराजगी, और आपको पता है भारत के लोग तो और इमोशंस होते हैं रखते हैं, तो इस तरह की चीजें अगर कोई देश करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और स्पेशली यहां पर सभी देशों को पता है कि खालिस्तान का मुद्दा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है भारत के लिए, यहां पर हम उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। लेट्स सी क्या होगा आगे। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है उससे रिलेटेड यहां पर दो स्टेटमेंट मैंने डाला है, आपको बताना है नॉर्थ अमेरिका के बारे में। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया आज से ही हमारे जो 3 लाइव बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहे हैं, डोंट मिस दिस, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था स्टडी आईक्यू का, बहुत ही अच्छा वीडियो होता है और पूरा फैक्ट पे बात करते हैं, और आज मुद्दा था कनाडा का, और कनाडा आइसोलेट हो चुका है अपने उस बयानबाजी को लेकर जो उसने भारत के खिलाफ की, और वजह क्या, खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट करने के मामले में अपने एक खाली फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, और खाली जो हम अपना एक दिमाग होता है जिसमें हम सोच रखते हैं कि हम अपने जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जो यहाँ अगर मेरे मुल्क में हैं जो मर्जी करते रहें किसी के पहले, देखिए एक देश तोड़ने की बात की जा रही है, एक अलग मुल्क बनाने की बात की जा रही है, उससे पीछे अब देखिए मैं छोटी सी मिसाल यहाँ पे दूँ। हमारा एक दोस्त है सिंह साहब, हमारी तकरीबन उससे बात होती रहती है, और उन्होंने कहा है कि देखिए मैंने उससे पूछा, यार मैंने कहा छोड़ दो मैं यहाँ वीडियो पे नहीं हूँ, आप जरा मुझसे थोड़ा सा खुल के बताओ हो क्या रहा है मामला, क्यों मैं तुम्हारा नाम भी नहीं लूँगा लेकिन मुझे ज़रा अंदर की चीज़ बताओ, क्या आप सपोर्टिव हो, यहाँ पे लोग सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान को? तो उसने कहा बिल्कुल भी नहीं, हमें तो दुख ही होता है कि ये जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं ये हमारा मान है, ये हमें रेमिटेंसेस भेजते हैं, लेकिन जब ये ऐसी बातें करते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम इनकी कोई चीज़ ऐसी कबूल ना करें, ये हमारे सिख जो बरादरी है उस पर एक धब्बा बनने जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हमारा हर एक जो पगड़ी बरदार सिख है, हमारी जो शान है, वो शक के दायरे में आ गया है। शक के दायरे में इसलिए आ गया है, अब अक्सर लोग हमसे सवाल करने लगे हैं खालिस्तान, प्रो खालिस्तान या एंटी खालिस्तान, तो
ये बड़ी अजीब सी बात हो रही है और हमें इस चीज से शर्मिंदगी है कि हम अपने मुल्क में रह के हम उन चीजों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से ये कनाडा बन गया और उसने इसको एक मुद्दा बना दिया है और जिनकी कोई वजह ही नहीं थी और उसको एक इतना बड़ा छलावा बना दिया। अब लोग क्या करें, भारत उन पे बैन लगा रहा है, वो भारत पे बैन लगा रहे हैं। अब देखें कुछ लोग हैं कहते हैं जो हमारे वहाँ पे काम करने गए हुए हैं कनाडा, हमारे लिए आना जाना बहुत आसान है, हम वो वहाँ पे काम करते हैं और यहाँ हमें सपोर्ट करते हैं, वो भी शक के दायरे में आ गए हैं कि वहाँ पे जो बाहर चला गया बस वो खालिस्तानी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी ना कोई यहाँ पे सपोर्ट करता है ना कोई वहां पे सपोर्ट करता है, ये चंद लोग हैं जो पूरे छोटी सी बात यार पूरे एक समाज को बदनाम कर रहे हैं। और ये जो चिंगारी है ये सिर्फ जो बाहर के लोग हैं उनमें ही आती है थोड़ी बहुत, बाकी ये सबको खुद बदनाम करने। अब देखें आइसोलेटेड हो रहा है, पूरे जो उसके साथ फाइव आइज ग्रुप था उसने भी उससे पीछे हाथ खींच लिया है, कोई इतना सख्त मुवक्किफ नहीं लिया किसी ने भी भारत के गेस्ट। तो और क्या समझ आना बाकी है, जस्टिन ट्रूडो साहब क्या आप इतना सॉलिड एविडेंस दे भी दोगे तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी आपने ये भी देख लिया कि भारतीय किस तरह से आपका मुल्क छोड़ रहे हैं और किस तरह से आपका यहाँ पे बैन किया जा रहा है, यहाँ पे आपके लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल तक सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक बयान दे दिया बार उस पर अड़ गए, नहीं, अपने लोगों की अगर वेलफेयर के नाम पे, हमने तो सुना था कि जो यूरोपियन देश होते हैं ये जो अंग्रेज लोग हैं ये हमेशा से अपने लोगों का भलाई चाहते हैं, उसके बीच में अड़े नहीं आते, तो इसी वजह से ये इतने तरक्की पजीर हैं। लेकिन आज लग रहा है कि वहां भी देखे बातें कर रहे हैं लोग कि ये एक नया पाकिस्तान बनने जा रहा है जी, तो भैया पाकिस्तान ना बनिए, आपकी बड़ी मेहरबानी है, बड़े हालात खराब हैं यहाँ लोगों के, तो आप अपना और अपने लोगों के ख्याल कीजिए और ये चीजें ना आपके हक में बेहतर हैं और ना ही आपके लोगों के। देखें ये एक स्टेटमेंट की वजह से अपने पूरे मुल्क अपनी पूरी आवाम का जो है कहल के मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लगा रहे हैं सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, लेकिन वो सियासत से भी आप दो बैठेंगे, फाइव फाइव का तो इतमाद वो खो ही चुके हैं। अब देखो पूरी दुनिया उन पे देख रही है और उसकी सिर्फ एक स्टेटमेंट की बात, हर तरफ उसकी एक स्टेटमेंट की बात चल रही है। लेकिन देखें ये जो खालिस्तानी है, ये फॉर एग्जांपल जितने सिख सरदार उधर फॉर एग्जांपल कनाडा गए हैं मेहनत मजदूरी, जैसे हमारे यहाँ से जाते हैं सऊदी और दुबई कनाडा और मुल्कों में भी जाते हैं, वो जो फॉर एग्जांपल इंडियन गए हुए हैं वहां सिख सरदार जो गए हुए हैं वो सारे तो खालिस्तानी नहीं ना, लेकिन धब्बा तो सब पे लग गया ना कि यार ये मे भी वो ना हुई जो जस्टिन ट्रूडो के बकौल वैसे ही है ना। देखिए खालिस्तानी और सिखों में सरदारों को बहुत धब्बा लग गया है, जैसे सारे हमें भी देखे पाकिस्तानी टेररिस्ट। अब ये देखो ना ये चांद इंतजार फैलाने वाले लोगों ने सब पाकिस्तानी है, ये मदरसा शाह है पाकिस्तानी है, ये जाहिल है। तो ये सारी चीजें आप देखें कि वो चंद लोगों की वजह से आता है, तो यही सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी चाहिए पाकिस्तानियों को अपनी जगह पे और सरदारों को भी अपने दायरे में करना चाहिए। हाँ देखिए गवर्नमेंट है हमारे जो बड़े हैं उन्होंने कोई इस चीज पे आप पे धब्बा लगता है तो आप कोशिश करते हो उसको मिटाने की, अपना एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश, लेकिन उन्होंने नहीं किया, अब वही कर रहा है जस्टिन ट्रूडो भी। मेरा एक दोस्त है वो साउथ अफ्रीका से कल ही लौटा है और उसने कहा कि यार घंटा हमारे इस पासपोर्ट की इज्जत है पूरी दुनिया में। अब साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में भी हमारे पासपोर्ट की इज्जत ना होना, पाकिस्तानियों की इज्जत ना होना बिल्कुल, तो ये बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए भी। और यही वजह है कि आज इंडिया का जो नागरिक है वो एक प्राउड फील करता है हर जगह पे ट्रेवल करते हुए, हर जगह पे कारोबार करते हुए, बात करते हुए, उसकी बात करने में एक रोक दबा, वो उसके पीछे वजह क्या है एक तो सर जब वहाँ पे कोई इज्जत की बात आती है तो लीडर वहाँ पे वहाँ स्टैंड लेते हैं, तो हमारे जो है वो तो लेट जाते हैं बल्कि वो पेंटे उतार के जो है ना वहाँ पे एयरपोर्ट पे टांगते हैं, तो ये सारी चीजें है कि फिर इज्जत कैसे होगी। अब देखिये ट्रूडो साहब जो थे वो क्या कहते हैं वो हमारे को मिसाल भरी वो गिजे हुए थे पहले के, उनको थोड़ी सी आदत पड़ी हुई थी रशिया के ऊपर, उन्होंने बयान दे दिया तो फाइव आइज ने जो है ना वो रशिया को लताड़ के रख दिया क्योंकि उसे वो तोड़ना चाहते थे। ठीक है यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे भी जो है ना वही मैं बयान ला देता हूँ इंडिया, लेकिन वो ये भूल गए कि इंडिया एक उभरती हुई जो है ना थर्ड लास्ट जो है ना इकॉनमी है और उसके जरिए वो जो है ना चाइना को काउंटर है और यही चीजें है कि चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन अगर देखिए कि आप ये सोचें कि वो
कनाडा के सगे नहीं है, इंडिया के सगे हैं, तो ये गलत फहमी है। ठीक है, वो हमेशा अपनी परेशियां जो है ना वो 100 साल आगे लेकर चलते हैं। इस वक्त देखिएगा वो बीच में पड़ेंगे, बीच बचाव होगा जाएगा और फिर कनाडा और इंडिया के रिलेशन वहीं पे वापस आ जाएंगे। ये लेकिन जो इंडिया ने स्टैंड लिया है वो देखने के काबिल है, वो है लीडरशिप कि उन्होंने जो वहां पे हुआ है उन्होंने स्टैंड लिया है कि नहीं भाई हम अपने मुल्क के लिए जो बात करेंगे उसके ऊपर हम आज। देखिए बात ही गलत थी, ये बात ये थी कि देखो फाइव फाइल जो थी उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया ना कि यार ये जो बात जस्टिन ट्रूडो की जो उसने बात की, लेकिन हमारे भी जो यानी के हुए हैं मुआहदे हुए हैं, जो हमारे रिलेशनशिप है, जो हमारा ट्रेड चल रही है, जो हम यानी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया से कर रहे हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है के कोई भी मुल्क है उसके अपने मफादात होते हैं और अपने मफादात के लिए कोई भी किसी चीज को भी दाव पे नहीं लगाता। और भारत के साथ अगर ये फाइव आइज ग्रुप भी कुछ ऐसे करता है क्योंकि भारत की इस टाइम दुनिया को जरूरत है। चाइना देखिए, अमेरिका बड़ी कोशिश करता रहा चाइना को काउंटर करने की, उससे नहीं कर सका, लेकिन भारत कर रहा है। अगर कर सकता है तो वो कर सकता नहीं, कर रहा है वो भारत है। और अमेरिका और बाकी देशों को ये बड़े अच्छे तरह से समझ है। भारत ने अपनी काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया में लुढ़काया है, तो अब सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई अगर किसी का रिलेशन खराब है हमारे साथ, आप अगर उसकी वजह हमारे साथ खराब करोगे तो नुकसान आपका ही है। आपका ही है। और ये पैगाम पूरे अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में देने में भारत कामयाब हो चुका है और यही उसकी कामयाबी है खारजा पॉलिसी के ऊपर। चलें जी, बड़ा अच्छा और जबरदस्त वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए